हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। टीना किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ घी निकालने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो मैं पहले भी कर चुकी हूँ, लेकिन इस बार जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही अलग तरीके से कर रही हूँ। जो पारंपरिक तरीके से गाँव में निकाला जाता है, बहुत ही अच्छी क्वान्टिटी में घी निकाला जाता है और बहुत ही फ्रेश। इसके साथ जो उसका पीछे का जो दूध रहता है मक्खन निकालने के बाद, उसका भी कैसे यूज हो जाता है, वो हमारे छाछ बनने में कैसे उसका उपयोग करते हैं हम, बहुत ही अच्छा तरीका है। आप एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। आज मैं आपके साथ मलाई का घी पारंपरिक तरीके से कैसे निकाला जाता है शेयर कर रही हूं। गांव में मलाई का घी किस तरह से निकालते हैं, बिल्कुल फ्रेश और बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में घी निकलता है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाता है। इसलिए हम लेंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ एक छोटा ग्लास लिया है दूध। दूध को हम उबाल लेंगे। एक ग्लास दूध मैंने लिया है, छोटा ग्लास लिया है, बड़े ग्लास के हिसाब से आधा ग्लास है। इसे हमें बॉईल कर लेना है। ये देखिए, दूध को हमने अच्छे से बॉईल कर लिया है, दूध काफी गर्म है। जिस बर्तन में हमें मलाई को पिलोना है, घी निकालना है, उसी में मैं इसे डाल रही हूँ। उबलते हुए दूध को मैंने इसमें डाल लिया है। इस उबलते हुए दूध में डालेंगे हम दही। मैं यहाँ 2 चम्मच भर के यहाँ दही डाल रही हूँ। दही मेरे पास यहाँ नॉर्मल दही है, खट्टा दही नहीं है ज़्यादा। दूध में मिला देंगे दही को। इसी में हम डाल देंगे मलाई। पूरी मलाई को मैंने गरम दूध में डाल दिया है। मलाई को गरम दूध में मैंने यहां मिला लिया है। अब इसे ओवरनाइट के लिए हम ढककर रख देंगे गरम स्थान पर। अगले दिन हम इसका घी निकालेंगे। ये देखिए, ओवरनाइट के लिए हमने इसे जमा के रख दिया था मलाई को। देखिए कितने अच्छे से जम गई है हमारी मलाई। अब इसे हम स्पून से मिलाएंगे। इसका घी बहुत ही जल्दी निकलेगा और बहुत ही अच्छा निकलेगा, बिल्कुल शुद्ध घी। स्पून से हमें कंटिन्यू मिलाना है। ये देखिए, स्पून से कंटिन्यू फेंटने पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मक्खन निकलना शुरू हो गया है। मैंने इसे 2.5 से 3 मिनट तक कंटिन्यू फेंटा है। अगर आप इलेक्ट्रिक हैंड ग्राइंडर से बना रहे हैं तो उससे आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा, स्पून से 3-4 मिनट ज़्यादा लगेंगे। देखिए, थोड़ी देर के लिए और फेंट लेते हैं ताकि हमारा मक्खन बिल्कुल अलग हो जाए दूध से। देखिए, मक्खन हमारा अलग हो गया है दूध से। इसमें थोड़ा ठंडा पानी और डाल देंगे हम, 1 कटोरी जितना। मक्खन को अलग कर लेंगे, जिसमें हमें गरम करना है। ये देखिए, मक्खन को मैंने अलग से कर लिया है और पीछे जो ये हमारा दूध बचा है, ये हमारी छाछ बची है। ये देखिए, बहुत ही थिक है। जैसे मार्केट में हमें जो छाछ मिलती है पैकेट में, कितनी थिक मिलती है मदर डेयरी की, जब हम लाते हैं तो बहुत ही थिक छाछ होती है, वैसी छाछ हमारी घर पर बनी है। इसे हम फेंकेंगे नहीं, ये हल्की खट्टी छाछ है। इसमें आप मसाला डाल के पी सकते हैं, इसकी आप कड़ी बना सकते हैं,
और ये बहुत ठंडी रहती है, आप देख सकते हैं बहुत थिक भी है, आप इसमें और पानी ऐड कर सकते हैं। मैं इसे छाछ बना के रखने वाली हूँ, इसलिए मैं इसे साइड में रख लेती हूँ। इसे फेंकना नहीं है बिल्कुल भी, इसका हमें कुछ भी नहीं फेंकना है, ये हमारे छाछ पे काम आएगा पीने में गर्मियों में। और इसका हम प्योर घी निकालेंगे। ये देखिए कितना अच्छा बटर निकला है हमारा। अब इसको मक्खन को हमें पिघालना है, गैस पर रख देंगे गर्म होने के लिए। ये देखिए लो फ्लेम पर हम घी बनने देंगे। मक्खन हमारा लगभग मेल्ट हो गया है, थोड़ा बचा है। जब तक हमारा घी बन रहा है तब तक हम इसकी छाछ बना लेते हैं। ये छाछ बहुत ही गाढ़ी और बहुत ही टेस्टी है। इसमें थोड़ा पुदीना सूखा हुआ क्रश करके डाल रही हूँ, फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। थोड़ा भुना हुआ जीरा पाउडर, चाट मसाला, ब्लैक सॉल्ट, काला नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार, अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए कितनी थिक छाछ बनकर रेडी है। आप इसमें अगर पतला करना चाहते हैं तो थोड़ा पानी ऐड कर लीजिए, जितना पतला चाहते हैं उतना पानी ऐड कर लिए। ये देखिए कितनी अच्छी छाछ बनकर रेडी है हमारी, साथ में घी भी निकल जाएगा, साथ में छाछ भी बन जाएगी पीने के लिए। आपको कढ़ी बनाना तो आप कढ़ी भी बना सकते हैं। हमारे दो दो फायदे हैं इसमें, कुछ भी इस पर वेस्ट नहीं जाता है, कुछ भी हमें फेंकना नहीं पड़ता है, सबसे अच्छी बात है, सब हमारे यूज हो जाता है। मैंने यहाँ आधा किलो के जितना लिया था मलाई को। ये देखिए आधा किलो मलाई में हमने घी भी निकाल लिया है, घी हमारा बन रहा है। इसी के साथ तीन बड़े ग्लास हमने भरकर यहाँ लस्सी भी बना ली है, छाछ बना ली है, जो बहुत ही गाढ़ी है। मैंने इसमें पानी और नहीं मिलाया है, ये काफी गाढ़ी है, आप चाहे तो पानी और ऐड कर सकते हैं। कितने फायदे हैं हमारे इस तरह से घी निकालने के। आइए हम घी को चेक करते हैं, घी हमारा कहाँ तक बना है। ये देखिए घी भी हमारा बनना शुरू हो गया है, तली में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, बहुत ही फ्रेश घी निकल रहा है, आप देख सकते हैं देखने में ही कितना फ्रेश लग रहा है। ये देखिए इस तरह से मिला लेंगे हम, तली में बिल्कुल चिपकने नहीं देंगे। ये देखिए कितना प्योरीफाई घी निकला है हमारा, आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग हो गया है, जला भी नहीं है बिल्कुल भी, इसका कचरा अलग हो गया है, इसमें कचरा भी कम निकलता है, आप देख सकते हैं। और घी इतना फ्रेश निकलता है कि आप देख सकते हैं बिल्कुल शीशे जैसा। अब हमारा घी बनकर रेडी है, इसे हम नीचे उतार के छान लेते हैं। मैंने यहाँ एक बॉल ले लिया है, इसमें छलनी लगा ली है, घी हमारा गर्म है इसलिए ध्यान से छानिए, इसे हम छान लेंगे, बहुत ही केयरफुली करना है ये काम हमें। ये देखिए कितना अच्छा घी निकल के रेडी हो गया है हमारा। घी को छानने के बाद ये जो आप देख रहे हैं कचरा बचा है, इसमें भी काफी घी होता है, इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे और इसे गरम कर लेंगे। ये देखिए पानी हमारा अच्छे से गरम हो गया है, साइड से पूरा अच्छे से इसे निकाल देंगे इस तरह से। अब इसे हम छान लेंगे, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये देखिए कटोरी में मैंने इसे छान लिया है, देखिए कढ़ाई भी हमारी बिल्कुल सही रखी है, इसमें जला भी नहीं है बिल्कुल भी, तली में भी बिल्कुल नहीं चिपका है, बीच बीच में चम्मच को मारते रहेंगे तो ये तली में बिल्कुल नहीं चिपकेगा। ये देखिए इस तरह से हम इसमें छान लेंगे पानी को, ये जो ऊपर का बचेगा हम इसे फेंक देंगे। अब इसमें कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कचरा है, और जो नीचे का जो पानी है इसे हम फ्रिज में रख देंगे, या फिर आप इसी से आटा लगा लीजिए, इस तरी की कोई सब्जी बना रहे हैं तो आप सब्जी में डाल लीजिए। अगर आप इसी का घी निकालना चाहते हैं तो आप इसे फ्रिज में रख दीजिए, जिससे आपका पानी नीचे अलग रह जाएगा और घी की परत ऊपर अलग आ जाएगी, फिर आप स्पून से घी को कटोरी से निकाल लीजिए, इसका भी आपका घी बन जाएगा।
ये देखिए हमारा बिल्कुल प्योर घी, और आप देख सकते हैं इसकी घी की मात्रा भी बहुत ज़्यादा निकली है। रेगुलर जो हम घी को निकालते हैं उससे ज़्यादा मात्रा निकली है। साथ में हमारे 3 ग्लास बन गए हैं छाछ के। आधा किलो मलाई में हमने छाछ भी बना ली है 3 ग्लास, आप इसे 4 ग्लास भी बना सकते हैं। और इसमें घी भी हमने बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में निकाल लिया है। आप इस तरह से एक बार घी को ज़रूर निकाल के देखिए और मुझे कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में आपका घी कैसा निकला है और ये तरीका आपको कैसा लगा है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें न्यू मोर रेसिपीज के लिए। हम जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।